हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टीएस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक टू चैप्टर एट कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अभी हम पढ़ेंगे फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम सो सी सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सी क्वेश्चन सेवेंटी टू टेलीकॉम लिमिटेड इशूड ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ टेन ईच एट अ पीमियम ऑफ रुपीज़ फाइव पर शेयर पेबल रुपीज़ सेवन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ फ़ाइव ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ अलाटमेंट सो यहाँ टेलीकॉम लिमिटेड ने ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जो कि टेन रुपीज़ वाले हैं फ़ाइव रुपीज़ प्रीमियम पे मतलब कंपनी फिफ्टीन रुपीज़ लेगी जिसमें एप्लीकेशन में सेवन रुपीज़ है मतलब एप्लीकेशन मनी जो है वो सेव सेवन रुपीज़ है जिसमें कि टू रुपीज़ प्रीमियम का है और फाइव रुपीज़ कैपिटल का है एप्लीकेशन पे फ़ाइव रुपीज़ मांग रही है कंपनी एंड द बैलेंस आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो रहेगा वो रहेगा थ्री रुपीज़ का क्योंकि टू रुपीज़ प्लस फाइव रुपीज़ प्लस थ्री रुपीज़ A shareholder to टू 200 shares were allotted वेर to फेल टू पे द call एंड कॉल मनी एंड were शेयर्स वेर फोरफीटेड अब एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 200 हंड्रेड शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया इसलिए फोरफीट करना पड़ा उसके शेयर्स को उस 200 हंड्रेड फोरफीटेड शेयर्स में से वन सिक्सटी ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वेयर रीशूड फॉर रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड कंपनी ने वन सिक्सटी फोरफीटेड शेयर्स को सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ में री कर दिया मतलब टेन रुपीज़ में ही रीइू कर दिया मतलब कोई डिस्काउंट या प्रीमियम में नहीं है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन कंपनीज जर्नल एंड द बैलेंस शीट सो सोल्यूशन सेवेंटी टू टेलीकॉम कंपनी ने ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स दस रुपये वाले फाइव रुपीज़ प्रीमियम पर जारी किए और एप्लीकेशन के समय ही कंपनी ने प्रीमियम का पैसा भी ले लिया है सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स हैं और कंपनी एप्लीकेशन के समय सेवन रुपीज ले रही है मतलब वन लैख फोर्टी थाउजेंड कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ तो हो गया वन लाख फोर्टी थाउजेंड लेकिन शेयर कैपिटल में तो ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स पर सिर्फ टू रुपीज़ ही जाएगा क्योंकि बाकी का फाइव रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का है सो so, यहाँ होगा फोर्टी थाउजेंड और यहाँ होगा वन लाख बीइंग ट्रांसफर्ड कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट यूजुअली कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट के समय मांगती है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वो प्रीमियम का मनी जो रहता है वो अलॉटमेंट के समय ही ड्यू होता है और रिसीव होता है लेकिन यहाँ पर कंपनी ने खास कह दिया है कि एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम का मनी कलेक्ट करेगी इसलिए प्रीमियम यहीं पर कलेक्ट हुआ है अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी सो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स पर कंपनी ने फाइव रुपीज अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया सो वन लाख रुपीज इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अब कंपनी जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी तब कंपनी को पता चलेगा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 इक्विटी शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सो 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला मतलब 19,800 शेयर्स पर अलॉटमेंट का फाइव रुपीज़ मिल गया मतलब नाइन्टी नाइन थाउजेंड रुपीज कंपनी ने रिसीव किया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी इक्विटी शेयर्स पर इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे के पूरे ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स पर कंपनी थ्री रुपीज़ ड्यू करेगी मतलब सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ ड्यू हो गए being फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू अब जब कंपनी फाइनल कॉल का मनी रिसीव कर रही है तब पता चला कि वो 200 शेयर्स जिन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था वो फर्स्ट कॉल के समय भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं मतलब नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड शेयर्स पर ही थ्री रुपीस के हिसाब से पैसा मिलेगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड मतलब सिक्स हंड्रेड रुपीज लेस बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स अब कंपनी ने उन शेयर्स पर जिन पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है कंपनी ने फीचर करना है सो so, कंपनी अब 200 शेयर्स को फीट करेगी सो so, इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होके रिड्यूस हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट Two equity shares, first and final call account, and lastly, two equity shares for feature account. सो so, 200 हंड्रेड शेयर्स हैं जो कि टेन रुपीज़ के हैं इसलिए टू थाउजेंड से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अलाटमेंट में जाएगा 200 हंड्रेड इंटू फाइव क्योंकि फाइव रुपीज़ था अलॉटमेंट में वन थाउजेंड फाइनल कॉल का 200 हंड्रेड इंटू थ्री ये हो गया सिक्स हंड्रेड और शेयर फॉरफीचर में जाएगा 200 हंड्रेड इंटू क्योंकि फोर हंड्रेड एप्लीकेशन के समय सेवन रुपीज़ कंपनी ने मांगा था जिसमें से फाइव रुपीज़ प्रीमियम का है तो प्रीमियम का पैसा तो कंपनी को मिल गया इसलिए फ़ोरफीचर के समय में प्रीमियम का यहाँ कोई भी जिक्र नहीं होगा अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो फोरफीचर के समय में प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करके क्लोज़ किया जाता है बींग टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड अब कंपनी इन 200 हंड्रेड फोरफीटेड शेयर्स में से केवल 160 सिक्सटी शेयर्स रीइू कर रही है और वो भी सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ में सो बैंक अकाउंट डेबिटेड अब ये फुल्ली पेड ही है क्योंकि कंपनी टेन रुपीज़ फ़ेस वैल्यू पूरा का पूरा मांग चुकी है तो अब जो फोरफीटेड शेयर्स हैं उनका फ़ेस वैल्यू टेन रुपीज़ ही है फेस वैल्यू ही है इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट हो गया क्योंकि शेयर्स इश्यू हो रहे हैं सो वन सिक्सटी शेयर टेन रुपीज पर इश्यू कर रही है इसलिए सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज में कंपनी ने री कर दिया बींग वन सिक्सटी शेयर्स शेयर अब कंपनी शेयर शेयर फोरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेगी देखिए फोर फीचर के समय में कंपनी ने फोर हंड्रेड रुपीज़ फीट किए थे और वो भी टू हंड्रेड शेयर्स पर लेकिन रीइू के समय में कंपनी सिर्फ़ वन सिक्सटी शेयर्स रीइशू कर रही है सो वन सिक्सटी शेयर का ही बचा हुआ पैसा कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र होगा सो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अब यहां देखिए टू रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने फोरफीट किया तो वन सिक्सटी शेयर्स पर टू रुपीज के हिसाब से थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व यहाँ देखिए फिर से शेयर फोरफीचर में टू रुपीज पर शेयर के हिसाब से फोरफीट हुआ है अमाउंट और डिस्काउंट में ए, कोई भी अमाउंट यूज़ नहीं हुआ है तो एज अ रिजल्ट एंटायर टू रुपीस कैपिटल रिजर्व नॉट नंबर ऑफ़ शेयर्स रीइश्यूड ही रहेंगे ना कि नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड सो दैट इज़ द सोल्यूशन अब बैलेंस शीट बनाने से पहले बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में पहले आता है ऑथराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे फिर है दूसरा इशूड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि शेयर खरीदिए सो यहां कितने हैं ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऐट द रेट ऑफ रुपीज़ टेन ईच सो ये हो गया टू लैख इसे भी ब्लॉक कर देंगे फिर होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने जो ऑफर किया ऑफ़र दिया पब्लिक को उनमें से कितने शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए तो वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसमें हम फुल्ली पेड अप को ही लेंगे फुल्ली पेड अप तो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स थे उसमें से कंपनी ने टू हंड्रेड शेयर्स फ़ोर फीट करके फिर वन सिक्सटी शेयर्स फिर से री कर दिया था मतलब नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ टेन ईच सो ये हो जाएगा नाइनटीन नाइन सिक्स ज़ीरो ज़ीरो नाव प्लस शेयर फोरफीटेड मतलब कितने शेयर्स रीइू नहीं हुए हैं वो फोर्टी शेयर्स रीइू नहीं हुए हैं और उस पर टू रुपीज़ के हिसाब से शेयर फोरफीचर अकाउंट अभी भी ओपन है सो यहाँ एटी रुपीज़ लिखेंगे अब इसका ग्रैंड टोटल वन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी यही वो अमाउंट है जो हमको बैलेंस शीट में दिखाना है अब सेकेंड नोट है रि रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व थ्री ट्वेंटी रुपीज और थर्ड नोट्स टू अकाउंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है जो कि वन लाख है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में हमें आना चाहिए वन लाख थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज फिर कैश एंड कैश इक्यू वैलेंस में आएगा कैश एड बैंक थ्री लाख रुपीज सो so, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट सो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी यहाँ पर पहले लाइबिलिटीज़ लिखा जाता है उसके बाद उसका ग्रैंड टोटल उसके नीचे एसेट्स आता है फिर उसके बाद उसका ग्रैंड टोटल ये वर्टिकल बनता है क्योंकि कंपनी एक्ट में बैलेंस शीट वर्टिकल ही बनता है सो so सबसे पहले है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ उसमें शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल हमारा फर्स्ट नोट था नोट वन में हमने बनाया था शेयर कैपिटल वन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी दूसरा नोट हमने बनाया रिजर्व एंड सरप्लस का उसमें शेयर फोर फीचर का कैपिटल रिज़र्व है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व है सो वन लाख थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी इन दोनों का ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा थ्री लैख उसी तरीके से नोट थ्री में हमने तैयार किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक जो कि थ्री लाख ही है सो so, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बराबर है ये है बैलेंस शीट मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग